अगर हम इंडियन थाली के बारे में बात करें तो इंडियन थाली का मतलब होता है जिसमें वैरायटी ऑफ डिशेस हो और हर का फ्लेवर डिफरेंट हो। और जो मैं जयपुर में इंडियन थाली की बात करूं तो मेरे आगे नाम है पायल बियानी का। टुडे वी आर विद पायल। पायल, मैं जानना चाहूंगी कि ये इंडियन होम कुकिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ, कॉन्सेप्ट एंड व्हाट इट इज। ये जो है ये मैंने 2015 में चालू करने की सोची थी। मैं वैसे कुछ सालों से सोच रही थी उसके पहले भी कि मैं कुछ फूड से रिलेटेड काम करूं। कभी सोचा कि मैं टिफ़िन सेंटर खोलने की कोशिश करूं, कभी सोचा कि कुछ घर से कुछ और बना के बेचने की कोशिश करूं। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ कुछ मज़ा नहीं आ रहा था अपने आइडियाज़ में। बहुत रिसर्च करी, बहुत समझने की कोशिश करी। एक चीज़ जो हम लोग मेरे में नेचुरल है वो शायद टीचिंग की है, क्योंकि मेरी फैमिली में सभी लोग, मेरी मदर, मेरे नाना जी, मेरे दादाजी, मेरे ताऊ जी, सभी लोग टीचिंग से रिलेटेड रहे टीचिंग एंड हैं। यू आर इवन अ टीचर, आप सो मैं प्रोफेशनल, शायद आप फाइनली यू आर अ प्रोफेशनल टीचर एंड बीइंग अ प्रिंसिपल यू शिफ्टेड टू दिस आई प्रोफेशन। थिंक सो, मतलब यस, तो समवेयर कहीं से वही एक अंदर से ही आपके, आप कुछ चीज़ें होती हैं जो हिडन होती हैं, कुछ एप्टीट्यूड आपके जो होते हैं वो आपको खुद को भी पता नहीं होते। कुछ, लेकिन मेरा एक एक चीज़ थी जो मुझे हमेशा लगता था कि मैं जब कुकिंग करूं तो मेरे साथ में कोई हो जिसके लिए मैं कर रही हूं। जब आप कुछ बना के बेचते हैं तो आप उससे कनेक्शन नहीं बना पाते। मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी था कहीं। मैंने कुछ सोचा कि मैंने क्यों ना मैं एक क्लासेस की तरह कुछ चालू करूँ, कुछ कुकिंग क्लासेस, कुछ बनाना सिखाऊँ लोगों को। लोग इंटरेस्टेड रहते हैं नई नई रेसिपी सीखना। धीरे धीरे करते करते वो सब होमवर्क होते होते बातें आईं, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि जो अपने अपने खुद के इंडियंस, अपने फेलो मेंबर्स हैं, सब अपने सभी लोग हैं, वो भारतीय कुकिंग में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। हालांकि अब आप देखेंगे तो वीडियोस बहुत चलते हैं, लेकिन मैं आज से 8-9 साल पहले पुरानी बात कर रही हूँ, जब तक भी इंडियन कुकिंग के लिए लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं थे। उनको लगता था या तो हमें सब कुछ आता है, या फिर ये ज़रूरी नहीं है, या फिर अब फैशनेबल नहीं है, जिसको आप कोई भी टर्म दे दीजिए, अब मतलब वो इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है। अभी भी मैं चाहूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है अभी भी लोग कोई मुझसे इंडियन कुकिंग के बारे में ज़्यादा नहीं पूछना चाहता। नहीं, ऑब्वियस है कि मतलब मैं भी अगर किसी से बात करूँ या मैं अपनी भी बात करूँ तो आई विल बी सर्चिंग थाई। अपने अपने आप नए नए फ्लेवर्स, ये अपनी एक, ये एक नेचुरल भी है क्योंकि आप नए फ्लेवर्स तलाश रहे होते हैं। लेकिन हम अपनी ट्रेडिशनल कुकिंग, हम अपने पारंपरिक खाने, रेसिपीज, कल्चर, फूड, जो भी कुछ था हमारा, जो अपने पुराने ट्रेडिशंस थे, उनको भी धीरे धीरे करके कहीं भूल रहे थे। क्योंकि ये सब क्या है, ये खाने पीने जो है, ये सिर्फ खाना एक रेसिपी नहीं है, ये बहुत सारे ट्रेडिशन से भी ऑल्सो, मतलब उनसे भी जुड़ी हुई है। कुछ चीज़ें आपकी नानी अच्छी बनाती थी, कुछ चीज़ें आपकी मामी अच्छी बनाती है, कुछ चीज़ें आपकी मम्मी अच्छी बनाती है, कुछ चीज़ें आपकी सास अच्छी बनाती है। मैं अपने आप को ऐसा फूडी मानती हूँ जिसने उस समय, जिस समय अपने इतने रेस्टोरेंट्स और ऐसी सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तो मैं किसी का भी टिफ़िन, किसी की भी थाली में से, मतलब अगर किसी ने मुझे इनवाइट कर लिया है कि भाई पड़ोसी, यूजुअली पहले ऐसा होता था कि आप पड़ोस में कहीं गए हुए हैं और किसी ने बोल दिया आपको कि आज बड़ी खुशबू आ रही है, बहुत तेज़ खुशबू आ रही है, और आपने आंटी जी से पूछ लिया आंटी जी आज क्या बनाया, बड़ी खुशबू आ रही है, तो वो बड़े प्यार से आपके सामने वो चीज़ ला के थाली में सजा के रख देंगी। तो मैंने हर तरीके का खाना, हर किसी के हाथ का खाना टेस्ट किया। मेरे को धीरे धीरे ये रियलाइज़ होने लगा कि ये सिर्फ रेसिपीज नहीं थी जो हमें इंटरेस्ट करती है, ये इसकी वो उनकी एनर्जी, अरोमा, जो खुशबुएं जो हम लेते हैं, वो हमारी फाइनली हमारी मेमोरीज बन जाती है। अगर आप उस खुशबू को तलाशने की कोशिश करें ना अपने दिमाग में, तो आप उस दिन पहुंच जाएंगे जिस दिन आपने वो खाना खाया था। किसी ने वो हलवा खिलाया था, किसी ने वो पूरी खिलाई थी, किसी ने वो कचौड़ी खिलाई थी, मतलब वो इमोशंस हैं हर हर चीज में, हमारे हर चीज में हमारे हर इंडियन फूड के साथ में कुछ इमोशन, मिलते हैं। या इमोशन, देखिए इमोशन बनते ही आपके 5 सेंसेस से हैं। वो इमोशन धीरे धीरे करके आपकी मेमोरी बन जाते हैं, वो आपके अंदर जज्ब हो जाते हैं, आपके अंदर चले जाते हैं, आप जब भी याद करना चाहो वो वहीं होते हैं, इसीलिए हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं।
जब अपनी मम्मी के हाथ का खाना खाते हैं ना, तो अगर अंधेरे में भी खा रहे होंगे ना और किसी ने सरप्राइज में भी आपको खिला दिया आपकी मम्मी के हाथ का खाना, तो भी आप 50 साल बाद भी बता देंगे ये तो किसी, ये तो मैं जानता हूँ किसका खाना है, ये किसी और का हो ही नहीं सकता। नहीं, पर व्हाई थाली, मतलब व्हाई यू थॉट ऑफ द थाली, कि जैसे हम तो कई वैरायटी की बातें कर रहे हैं और इंडियन थाली तो एक ट्रेडिशन होता है। देखिए, थाली जो है, मैं आपको बताऊं, मैं थाली को हम खाने की तरह देखते हैं सिर्फ, लेकिन भारतीय पारंपरिक जो जो सिस्टम है, व्यवस्था है, उसमें थाली का बहुत महत्व है। हाँ, क्योंकि एक सब्जी नहीं है, दिस मेनी थिंग्स। हाँ, कुछ अलग अलग स्वाद, कुछ अलग अलग कलर्स जो होते हैं, जो आज हम इस चीज़ को बड़े कॉन्टेक्स्टफुली देख सकते हैं, क्योंकि वेस्ट से, यूरोपियन साइड से हमें ये वापस रेजोनेट होके वापस आ रही हैं ये बातें, ये आइडियाज के थाली में कलर होने चाहिए। पायल, थाली मतलब वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स, कुछ मीठा भी, और एवरीथिंग इज देयर। तो क्यों थाली में ऐसा क्यों होता है, एंड व्हाई योर ऑल द कॉन्सेप्ट, ऑल द थॉट्स आर इन द थाली? हाँ, ये बात तो देखिए है तो सही, कुछ मुझे इसी से बड़ा धीरे धीरे करते करते, मतलब सब ये रिसर्च करते करते, पढ़ाई करते करते, बनाते बनाते, मुझे इससे बहुत ही इसका महत्व समझ में आने लगा। इस ये क्यों हमारे ट्रेडिशन में है, क्यों हमारे कल्चर में थाली है। आप कश्मीर जाएं, वहाँ की थाली है, केरला जाएं, वहाँ की थाली है, राजस्थान आएंगे, वहाँ की थाली है, राजस्थान में उदयपुर गए तो वहाँ की थाली है, चित्तौड़ गए तो वहाँ की थाली है, जयपुर आएंगे तो वहाँ की थाली है। तो क्या डिफरेंस है, क्यों राजपूतों की थाली माथुरों की थाली से अलग है, माथुरों की थाली मारवाड़ियों की थाली से अलग है? क्यों माथुर और मारवाड़ी बोला, मैं आपको बताती हूँ। मैं वैसे माथुर हूँ, लेकिन मेरी शादी मारवाड़ियों में हुई, तो मैं जब यहाँ आई तो मैंने एक अलग तरीके का खूबसूरत खाना देखा, क्योंकि मैं आती आई थी प्याज लहसुन बढ़िया वाले मसाले वगैरह के तरी तमाज खाते हुए, और यहाँ आके हमारे यहाँ सादा खाना बनता है। सादा खाना मतलब हिंदी भाषा में जब हम सादा खाना बोलते हैं तो जिसमें प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं हो, अब वो सात्विक भी कहलाता है, तो सात्विक एक्चुअली आयुर्वेदिक वर्ड है, जिसको हम सात्विक, अब हम सात्विक आम भाषा में नहीं काम में आता इतना, जो ज़्यादा समझते हैं वो आयुर्वेदिक समझते हैं, वो समझते हैं कि सात्विक खाना क्या होता है। सात्विक खाने का मतलब है बिना प्याज लहसुन का खाना, कम तरी मसाले का खाना, हरी मिर्ची लाल मिर्ची नहीं के बराबर। बट मैं जो आपको बात कर रही हूँ वो हम थोड़े सादे खाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आयुर्वेदिक से जैसे आप समझें, तो अगर आयुर्वेद भी हमारे लिए, आयुर्वेद ने हमें जो देन दी है वो भी, वो आती है इस थाली में, उसकी एक झलक आपको इस थाली में मिलेगी। आयुर्वेद आपको, अगर आप आयुर्वेद के किसी डॉक्टर ने आपको कुछ बोला है या वैद ने आपको कुछ बोला है कि आपको क्या क्या खाना चाहिए, कब कब खाना चाहिए, अगर आप भारतीय खाने की परंपराओं के हिसाब से चल रहे होंगे तो आप वैसे भी उन्हीं उसी तरीके से खाना खा रहे होंगे। वो कहेंगे घी खाओ थोड़ा सा, आपको रोज़ खाना है क्योंकि आपका नाक बहुत सूखी रहती है, तो घी कैसे खाएं साहब? घी आप तड़के में डाल के खाओ, गरम करके ऊपर से दाल में डाल के खाओ। तो इसका एक, इसके पीछे एक विचारधारा है, इसके पीछे एक सिर्फ एक, ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, इट्स अ कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये सब आयुर्वेद से निकला है। हमारी तो पूरी सारा खाना, भारत का सारा खाना आयुर्वेद की देन है, क्योंकि इट्स ट्रीटिंग योर, ये सब कुछ आपको बैलेंस रखता है। आयुर्वेद का एक ही प्रिंसिपल है, आयुर्वेद सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं करता, आयुर्वेद आपको बैलेंस रखता है, आपकी बॉडी को इस तरीके से बना के रखता है कि वो जो इस समय का मौसम है, जिस ज्योग्राफी में आप रहते हैं, आप कहीं रेगिस्तान में रहते हैं, सूखे प्रदेशों में रहते हैं, क्या आप किसी समुद्र के किनारे रहते हैं, क्या आप किसी पहाड़ों में रहते हैं, उसका खाना, सबका खाना अलग अलग है, और वही थाली है। थाली को आप अगर देखेंगे तो थाली वैसे एक कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि हर चीज़ एक ही साथ सर्व की जाए, मीठा, कुछ नमकीन, कुछ पापड़, कुछ अचार, कुछ कच्चा सलाद, कुछ दाल, कुछ उस समय की सीजनल सब्जियां, रोटी चावल, ये होती है थाली। लेकिन हम इतनी सारी चीज़ें सुन के आपको लगेगा कि इतनी सारी चीज़ें कैसे खाई जाती, इतनी सारी चीज़ें पोर्शन में खाई जाती। तो आप ये जो छोटी छोटी कटोरियाँ आप देखेंगे, जब आप किसी के घर में जाते हैं जहाँ थाली परोसी जाए, तो वहाँ कई सारी कटोरियाँ आएंगी छोटी छोटी, उसमें एक 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 टेबलस्पून या एक बड़ा चमचा हर थाली में उसमें डाला जाएगा, एक कटोरी में, वो आपका पोर्शन डिसाइड करेगा। तो
दो चीज़ें डिसाइड हो गई, एक तो जो आपने खाया और आपने कितना खाया। तो ये बहुत ही साइंटिफिक तरीका है और ये सब हमारे आयुर्वेद की देन है। आज हम इसको किसी भी नज़रिए से देखने की कोशिश करें, कोई भी उसके पीछे एक्सप्लेनेशन दें, लेकिन ये सब कुछ आयुर्वेद का सिखाया हुआ है। हम भूल चुके हैं उस चीज़ को, हम उस चीज़ को रियलाइज़ भी नहीं करते कि एक्चुअली हमें कितनी नॉलेज मिली है। मतलब ये वो होता है ना आयुर्वेद में कहते हैं कप वात पित्त को बैलेंस, तो एक तरह से देखा जाए तो वो बैलेंस वो सब होता बिल्कुल ही बिल्कुल होता। अगर आपने कभी अपनी दादी नानी की बात सुनी होगी तो वो ये बोलती होंगी कि भाई आज बारिश हो रही है, आज आप दही मत खाओ। भाई दही क्यों नहीं खाएं? क्यों? क्योंकि दही से कफ बनेगा। क्यों? क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है हवा में, सो हवा की नमी ज़्यादा है, आपके शरीर की नमी भी ज़्यादा है, फिर आप उस पर नमी वाली चीज़ खा लो तो वो आपके अंदर कफ बना देगी। तो आयुर्वेद ये सब चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी करके सिखाता है और वही थाली के कॉन्सेप्ट वही थाली से बैलेंस बिल्कुल बिल्कुल वो हम करना चाहते हैं और वो हमारा आइडिया होना चाहिए खाने के पीछे कि जो हम खा रहे हैं क्या वो इस समय यहीं पे उगता है आसपास या कहीं बहुत दूर से आ रहा है, क्या वो मेरे सूखे प्रदेश के लिए अच्छा है, या फिर मैं किसी जैसे मैं ज़्यादा कोकोनट नहीं खा सकती अगर मैं यहाँ पे कोई सूखी जगह पे रहती हूँ। पहली बात तो यहाँ उगता नहीं है, दूसरी बात तो मेरी थाली में होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें आप अगर किसी अपनी थाली को देखेंगे तो आप उस जगह को विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये थाली कहाँ की। आप 10 थालियाँ लगा दीजिए भारत से आई हुई अलग अलग प्रदेशों की और एक छोटा सा क्विज करने की कोशिश कीजिए, आप पाएंगे कि सब लोग ये बता पाएंगे थाली किस डायरेक्शन से आई है। ये नॉलेज हमें है, हम भूल गए हैं, सिर्फ भूल गए हैं, सिर्फ और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ भूल गए। वो कोकोनट देखते ही वो कोई समझ जाएगा यार ये तो कहीं कोई समुद्र के किनारे से आई होगी, नहीं तो किसी ईस्ट सी जगह से आई होगी, बट समुद्र के किनारे से फॉर श्योर आई है, पानी के पास से आई है। आप किसी सूखी चीज़ को देखेंगे, मंगोड़ी देखेंगे, जैसे कि अपन पहले बात हम कर रहे थे और मैं आपको बताना चाह रही थी उसी बारे में। सो राजस्थान में अगर हम आएँ वापस लौट के इंडिया से घूम फिर के, तो हमको ऐसा लगेगा यार यहाँ ये क्या बनता है, यहाँ हरी सब्जियाँ तो है ही नहीं, काचरी क्या चीज़ें हैं ये, मंगोड़ी बिल्कुल। तो मेरी मदर भी उत्तर प्रदेश से थी, तो वो पानी के इलाके से आई थी, वो भी गंगा के किनारे से, वहाँ पे सब चीज़ हरी भरी, हर रोज़ नया शाक आता है, नई चीज़ भात बनता है, बढ़िया सी सब्जियाँ बनती हैं, सब कुछ होता है। यहाँ आके उन्होंने देखा वहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ तो रोज़ कभी मंगोड़ी बन रही है, आज कुछ गट्टे बना लो, आज कढ़ी बना लो, आज दाल बना लो, भाई गीली सब्जी कहाँ है, नहीं होती थी ये हमारे प्रदेश में, नहीं होती थी। अब सब मिलने लगा है क्योंकि ट्रांसपोर्ट अच्छा हो गया, पर अगर आप देखें तो हम सूखे प्रदेश से हैं, वही हमारी बॉडी को सूट करेगा। क्योंकि तो आयुर्वेद के हिसाब से वो चीज़ें सूखी चीज़ें जो कि खराब नहीं होंगी, क्योंकि हीट इतनी ज़्यादा है तो हरी सब्जियाँ टिकेंगी नहीं, हरी सब्जियाँ आपको मिलेंगी सर्दियों में, तो आप सर्दियों में हरा हरा खाइए ज़्यादा, हरा बथुआ हो गया, मेथी हो गई, पालक हो गया, सारे साल नहीं मिलेगा आपको, तो आप उस समय खाएं, बरसात आई तो दूसरा खाएं, गर्मी आई तो दूसरा खाएं। लेकिन जो चीज़ें यहाँ पे रहती हैं आपको पता होगा, शायद आपने देखा हो अपने यहाँ पे कैर सांगरी मिलती है। अब कैर सांगरी का इन्वेंशन कैसे हुआ होगा, तो ये सब बातें मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चीज़ें किसी ने वो सुखाई, सब्जियाँ सुखा के रख ली सूखे प्रदेश में जहाँ कोई संसाधन नहीं है, जहाँ वो एकदम बिल्कुल सूखी जगह पे रहते हैं, पानी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, वो चीज़ें सुखा सुखा के रख लेते थे जब आती थी बाजार में, और फिर जब वो नहीं मिलती हैं तो उनको निकाला, थोड़ा सा भिगोया और बना लिया। दूसरी बात, एक चीज़ मैंने और नोटिस करी कि जो यहाँ पे खाना बनता है, आप मानिए जैसे गट्टे बनाए हैं, गट्टे को जिस पानी में उबाला जाता है उसी पानी में उसको गट्टे की सब्जी बना दी जाती है, कोई वेस्टेज नहीं है, पानी का कम से कम प्रयोग किया जाता है। राजस्थानी खाने में पानी नहीं है तो छाछ डाल दिया, छाछ नहीं है तो और बिल्कुल बिल्कुल मक्खन निकला और मट्ठा डाल दिया, एकदम ही बिल्कुल पतला वाला जो कुछ भी नहीं बचा है, जिसमें से आपने मक्खन निकाला उस पानी का भी कुछ बना दिया, मतलब ये सब आटा लगा दिया, भूल ही चुके ये हैं। सब सस्टेनेबिलिटी की चीजें थी, ये सब चीजें हमारे हम लोगों ने ट्रेडिशन से ही नहीं सीखी, ये सब चीजें हमने अपनी जरूरतों के हिसाब से सीखी थी, आज हम उन चीजों को भूल रहे हैं। थाली को याद करना इसीलिए जरूरी है, थाली के बारे में समझना, ये सिर्फ एक अलग अलग तरीके के खाने नहीं आए हैं जिनको देख करके मतलब आप सिर्फ एक आज का खाना ये है कल का खाना वो है, नहीं। और कुछ वैसे देखिए वो बातें भी हैं और उसके अलावा और भी सीजनल जो हमारे खाने हैं ना उनकी इम्पोर्टेंस भी हम भूल गए। हाउ यू
एक्चुअली ब्रिटिशर्स या फॉरनर्स या अमेरिकन को कैसे आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो अपने इस थाली में. मतलब आई सो व्हेन मैं आई तो फ्रेंच पीपल वर देयर, वो सीख रहे थे इसको. जी, जी. तो उनका अट्रैक्शन इसकी तरफ कैसे आता है और हाउ व्हाई यू पिच देम? मेरे लिए मुझे ऐसा लगा था कि मैं, मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था कि जो घर में महिला कुकिंग करती हैं उनकी बहुत इम्पॉर्टेंस रही है मेरे लिए. मैं प्रोफेशनल कुक नहीं थी, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, मैं किसी होटल इंडस्ट्री में काम नहीं करी, लेकिन मुझे पता है कि हर घर के वो किचन वाला जो कोना होता है उसमें जो एक वंडरफुल शेफ़ है वो काम कर रही होती है अनवरत, हर रोज़ लगातार. जब आप घर पहुँचते हैं तो बढ़िया गर्म गर्म खाना बना के देती है, आपका अच्छा मूड इसी वजह से रहता है क्योंकि उसने खाना बढ़िया बना के आपको खिला के बाहर भेजा है. मैंने जब ये स्कूल स्टार्ट किया तो मेरे दिमाग में ये बात थी, शुरू में शंका थी कि पता नहीं मैं प्रोफेशनल हूँ नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता मेरे को सिखाना है, मतलब मैं क्या बता पाऊँगी उनको. फिर मुझे लगा मैं वो बता पाऊँगी जो मैंने सीखा है और मैंने वही किया जो आपको लाइफ ने एक्चुअल में दिया. बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जिससे जो सीखा वो मैं सिखाती हूँ आज. मैंने जिस भी आंटी मौसी मामी चाची दादी नानी मम्मी सबसे जिनसे जो जो सीखा है आज वही सब मेरी थाली में है. तो मतलब